हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आप सबको पता है कि सुबह की रीडिंग हम लोग क्या करते हैं। सुबह की रीडिंग हमारी रहेगी कि आपकी पार्टनर आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ये तो हमारी फिक्स रीडिंग होती है जो कि हर सुबह आपको देखने को मिलती है कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी उस समय की, उनके इमोशंस क्या थे, उनके इमोशंस में क्या कुछ निकल के आ रहा था, वो सारी चीज़ें हम रोज़ इस रीडिंग में देखते हैं। तो ये रीडिंग को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रोज़ लेकर के आती रहती हूँ आप सबके लिए। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं आप सबके लिए। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह। ओके, आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, ठीक है, ओके। जस्टिस की एनर्जी आई है यहाँ पे, और आप सबको एक बात और क्लियर कर दूं कि आप लोग, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि रीडिंग फ्री होती है, तो रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आपको पे करना होता है, आप अपना जो है एनर्जी एक्सचेंज करना बनता है। तो आप लोग एनर्जी एक्सचेंज जो लोग कर सकते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स जो है हमेशा कहती है कि एनर्जी एक्सचेंज करो, वरना आपको भी प्रॉब्लम होगी और सामने वाले को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, डिवाइन हमें गाइड करें। सो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, और देखते हैं यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, यहाँ मेरे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। सो यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चैरियट की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर की एनर्जी। ओके, सो एम्परर की एनर्जी आपको पता ही है कि हमेशा एक ऐसे पर्सन को जो है बताता है जो कि काफ़ी रूड है, एंड इसने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया होता है। आपके पार्टनर ने ठीक ऐसे ही अपने जीवन में अभी फ़िलहाल काफ़ी स्ट्रगल किया है, एंड अभी जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं ये इनके लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम भी है। मैं देखूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल इसलिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता ज़रूर है कि ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं, या बहुत कुछ करने की चाहत मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस के साथ जो है एक तरीके से अपनी फीलिंग्स से अपने इमोशंस को जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वैसे ही ये पर्सन जो है आगे भी ये पर्सन मैनेज करेंगे। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये पर्सन को रियलाइजेशन होता भी है तो ये पर्सन शो नहीं कर सकते हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी है, काफ़ी मैच्योर है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट है ये पर्सन, और जस्टिस प्रिय है ये पर्सन, यानी कि जस्टिस करना पसंद है। किसी के साथ गलत करना, छल कपट करना आपके पार्टनर के अंदर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर सीरियस हैं आपके लिए, कहीं इस पर्सन ने मजाक में भी आपसे जो है ऐसा नहीं कहा होगा कुछ गलत चीज़ें, है ना, जिससे आपको चोट पहुँचे। हाँ, ये पर्सन गुस्से में ऐसी चीज़ें करते ज़रूर हैं जिसके वजह से आपको
तकलीफ़ आ जाती है, ठीक है। तो इनका नेचर है, थोड़ा सा है इनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ये तो दिख रहा है मुझे। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी लॉयल किस्म के इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ चले जाते हैं और फिर आपको इग्नोर करते हैं, नहीं। अगर ये पर्सन जो है बिज़ी चल रहे हैं, ये पर्सन अगर बहुत बिज़ी हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को टाइम दे रहे हैं, नो। ये पर्सन के ऊपर वर्कलोड बहुत है, ये पर्सन के ऊपर अपने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। सो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भली भांति निभाना इस पर्सन का कर्तव्य है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं जितना कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देते हैं, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि पर्सन को लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है जो कि मुझे निभाना है और मुझे निभाना भी चाहिए, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड भी काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा कि जस्टिस प्रिया है, और इनको जो ये पर्सन गलती कर चुके हैं या जो गलतियाँ करते हैं उसका एहसास इस पर्सन को बड़ा जल्दी हो जाता है। जब इनका गुस्सा शांत होता है तो इस पर्सन को समझ में आने लगता है कि हाँ, ये पर्सन कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और कहाँ क्या ये पर्सन कर रहे हैं, कहाँ क्या ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर समझते हुए या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मतलब अपने चीज़ों को लेकर के सोचते हुए समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत जो चेंज आया है, या कहें तो थोड़ा बहुत जो चेंज आने की उम्मीद कर सकते हो इस पर्सन के इसी नेचर की वजह से कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन जो है ना किसी के साथ गलत नहीं करता है या नहीं करती है, ठीक है। सो यस, इस पर्सन के अंदर मुझे वो जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, जस्टिस की एनर्जी क्यों दी है आपने। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के अंदर जो है ना बहुत पैशन है, देख लो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी एम्परर की एनर्जी आई है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत है, आपको पाने की चाहत या आपको अपना बनाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे बहुत अंदर से ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत प्यार भरी, बहुत इमोशंस भरी फीलिंग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू करने की जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू करने की जो है ना एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के श्योर हैं पूरी तरीके से, एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बारे में जितना ये पर्सन सोच रहे हैं उतनी जल्दी इनके अंदर मतलब इनके अंदर जो निगेटिविटी है आपके खिलाफ या आपके लिए वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना बहुत जल्दी जो है आपका आपकी बातें सुनना या आपके बारे में सोचना ये पर्सन पसंद करते हैं, ठीक। आपके बारे में सोचना या आपकी बातें सुनना आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव चीज़ों को करते हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में। ओके, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन यहाँ पे गाइड करें। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइव कॉइन्स की एनर्जी है, यानी कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि आपके साथ ये पर्सन आए या आपके साथ ये पर्सन बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मोमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आप दोनों बहुत ही खुश हों, बहुत ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थामते हुए या एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए आप दोनों दिखो। आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ बैलेंस होना चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब आगे बढ़ना होना होता है ना। यानी कि अगर रिलेशनशिप आप में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो स्टक मत रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्टकनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने सैक्रिफाइसेस करना स्टार्ट कर दिया था और अब दिख रहा है कि ये पर्सन को पछतावा भी हो रहा है। देखिए, इनके फाइनेंस, इनका करियर भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके अंदर टेंशन है। फैमिली में कोई बीमार है, इनके फैमिली में ऐसा लगता है कि इनकी माताश्री बीमार है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी फील होता है जैसे कि उस वजह से आपके पार्टनर और टेंशन में दिख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिलती नहीं है कि और ज़्यादा जो है ना आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो जाते हो। आप दोनों को एक दूसरे के करीब जितना आना चाहिए आप दोनों एक दूसरे से दूर उतना ही चले जाते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। यानी कि ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, ना ही आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि कहीं ये पर्सन खुशियों की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं कि आपके साथ जो है इनकी खुशियाँ जुड़ेंगी, आपके साथ जो है इनकी खुशियाँ बहुत जल्दी जुड़ेंगी, बहुत ज़्यादा है ना जुड़ेंगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता जो है ना पॉजिटिव वे में हो सकता था, पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे आ सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है कि आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी जो है ना यहाँ पे आ नहीं पा रही है। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस भी हैं। और वो भी इनके घर वालों की तरफ से इनको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके घर वालों की तरफ से इनको ऑप्शन दिए गए हैं। और उन ऑप्शंस में से जो है ना कुछ जो है तो बहुत पसंद है और कुछ जो है ठीक ठाक है, ऐसा जो है ना ये इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। लेकिन ये पर्सन का मेन जो है फोकस आपके तरफ भी जा रहा है और बात करने की इच्छा भी आपसे ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बताना चाहते हैं कि घर वाले इनके क्या चाहते हैं, इनसे घर वाले इनसे क्या चाहते हैं। और इनको जो ऑप्शन दिया गया है, क्या ये उन ऑप्शन को देखे या फिर आप इनको कुछ कहोगे, यानी कि आप क्या इनके साथ आने के लिए राज़ी हो या नहीं हो, आपके पार्टनर को ये क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि ये पर्सन को कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न में रह करके अगर ये पर्सन डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं होगा, ये पर्सन को पता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एकदम से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है रिलेशनशिप काफ़ी तगड़ा है आपका, काफ़ी पुराना है आपका, एंड इस रिश्ते को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आपके पार्टनर की चाहत दिल से है। आपके पार्टनर भले ही इस रिलेशनशिप में इन और आउट करते क्यों ना हो, बट यस ये पर्सन आपको दिल से प्यार करते हैं एंड ये पर्सन आपके बारे में सीरियसली सोचते हैं। ठीक है, सीरियसली सोचना इस पर्सन की एनर्जी में है, सीरियसली सोच करके जो है आगे बढ़ना इस पर्सन की एनर्जी में है, क्योंकि सीरियस होना भी ज़रूरी है ना। रिलेशनशिप को हम सिर्फ जो है मजाक मजाक में नहीं ले सकते, हमें सीरियस होना पड़ता है। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स की एनर्जी में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो है बड़ी धीमी गति से चलने वाले इंसान है, बड़ा मतलब स्लोली 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 आगे बढ़ते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, इसलिए तो ये पर्सन कन्फ्यूज़न में भी है। लेकिन अभी जो है इस पर्सन के अंदर अब ऐसी एनर्जी आ चुकी है, डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि यार धीरे धीरे करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे कर चलने से कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि धीरे धीरे चलते चलते वो रास्ता ही अलग हो जाए या आप पता चले कि आप कहीं और इंगेज हो गए हो। तो ये पर्सन के मन में अलग अलग तरीके के ख्याल भी आ रहे हैं और यहाँ से ये पर्सन को जो है ना निकल के आपके तरफ भागना है, आपके तरफ आना है। भले ही आप दोनों के बीच में उस समय लड़ाई हो झगड़े हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये पर्सन जिस गति से आएंगे उस गति में आते हुए देख करके मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लगेगा कि मतलब एक होता है ना कि हाँ तगड़ी वाली लड़ाई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप से आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। ओके, अपने आप से ये पर्सन दूर नहीं जाने देना चाहते हैं और इसी इसी को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइज करते हैं और आपको देखते हैं ऐसे कि आप इनको मना नहीं करोगे, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए आप इनको मना नहीं करोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि यस न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, न्यू बिगनिंग करके यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो सपना देखा था आप दोनों ने एक दूसरे के साथ का, एक दूसरे के फैमिली का या एक दूसरे के साथ फैमिली बनाने का, बट वो सपना अधूरा रह गया।
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है और ना ही इनका ऐसा कुछ है, मतलब ये पर्सन ऐसे नहीं है जो धोखा देने वाले पर्सन हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है टेन ऑफ कप्स का कार्ड कि सपना तो इन्होंने भी देखा था एक फैमिली बनाने का, एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली बनाने का जिसमें आप हो और इनके बच्चे हो, मतलब आप दोनों के बच्चे हो, एंड यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी फैमिली, एक छोटा सा घर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा फैमिली इस पर्सन ने विजुअलाइज किया था। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अक्सर हम सोचते भी नहीं हैं, और वही आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें हुई। आप दोनों अचानक से अलग हो गए, आप दोनों का दिल टूटा, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, आप दोनों अलग भी हो गए, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ वो एक फैमिली वाला रिलेशन, या कहें तो वो एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में वो पॉजिटिविटी या वो पॉजिटिव सा रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टू ऑफ वॉन्ड्स, या मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो दोनों के दोनों काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, और इंतज़ार ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे 2 साल से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग 4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि ऑनलाइन आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई हो, सोशल मीडिया के थ्रू बात स्टार्ट हुई हो, शादी तक मैटर गया भी हो, लेकिन फिर उसमें ब्लॉकेजेस आ जाने की वजह से ये रिश्ता टूट गया हो, ऐसे भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है टू ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर और आपके बीच में इंतज़ार का फासला काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप दोनों का जो इंतज़ार है ना, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और दोनों को ही बेकार आ रही है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से ना आप आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। द स्टार की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड स्टार की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में 5 ऑफ कप्स यानी कि आपका जो रिश्ता है, देखिए बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है जहाँ पे आपके पार्टनर संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपने चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ संभल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं संभल रहा है। एंड ये पर्सन काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अंदर से जो एक अकेलापन है, खालीपन है, अब ये रिश्ता टूट गया या ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ये रिश्ता तो पहले बहुत अच्छा था, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सारी चीज़ें ये पर्सन अपने आप के ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि अभी भी आप उनके लिए वैसे ही हो जैसे कि पहले होते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया या अकेली हो गई, अब मैं जो है उसके सामने जाने के लायक नहीं हूँ। अपने आप को किसी भी तरीके से ब्लेम करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, अंदर से लग रहा है कि यार क्या खो दिया मैंने, अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब मेरा गोल कुछ है ही नहीं, मेरा लाइफ पर्पज़ कुछ है ही नहीं, मेरा तो लाइफ पर्पज़ बस वही था या वही थी, अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है ना ये पर्सन जगल कर रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाता हूँ, तो कभी सोच रहे हैं कि नहीं, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके साथ मेरा फ्यूचर है, उसके साथ मेरी पॉजिटिविटी है, उसके साथ मेरा रिलेशन है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे करके शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांत मन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस ज़रूरी है ना, रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपका रास्ता भी देख रहे हैं कि काश आप ही वापस आ जाओ, काश आप ही जो है इनको कमिटमेंट दे दो, आप ही इनसे बात कर लो, है ना, देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो यहाँ पे आप ही इनसे बात कर लो, आप ही इनसे कह दो कि हाँ आप जो है इनके बगैर नहीं रह सकते हो, या आप इनके
बिना नहीं रह सकते हो, या आपके बगैर ये पर्सन कैसे रहेंगे, या आप इनके बगैर कैसे रहोगे, ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कुछ चेंजेस ना देखते हुए भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब दिल में वो कसक सी है कि हाँ आप इनको वो पूछ नहीं रहे हो, या वो मतलब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये पर्सन तो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप शायद इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसके कारण से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। अंदर ही अंदर अपने आप को एक जो कहते हैं ना कि अपने आप को जो है तकलीफ़ देते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता जो है ये रिश्ता मतलब एक होता है ना कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, है ना, तो दोनों ट्राई करते हैं, तो वही वाला रिश्ता जो है ना मुझे नज़र आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स देख लो यहाँ पे, आपके पार्टनर इस रिश्ते को जो है आगे लेके जाने के लिए फुल्ली रेडी हैं, और ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्ट करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है जहाँ पे आपके पार्टनर की ख्वाहिश है ये कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ ही जाएं। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। ठीक, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये सुबह की एनर्जी रही है, सुबह की फीलिंग्स रही है, डीप फीलिंग्स रही है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है आज की इस रीडिंग को। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो ये है आज की रीडिंग, और रीडिंग पसंद आई है तो फटाफट करके लाइक कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि और आप क्या चाहते हैं इस रीडिंग में ऐड करना, तो वो मैं ऐड करूंगी। और अगर आपको और लंबी रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट में बताइएगा कि और आपको लंबी रीडिंग चाहिए या शॉर्ट रीडिंग चाहिए, है ना, तो वो चीज़ें मुझे बताइएगा। और दिन भर में आप कितने वीडियोस देख सकते हैं ये भी मुझे बताइएगा। ऐसे तो मैं 3 या 4 वीडियोस डालती हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं 5 वीडियोस भी इस चैनल पर डाल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस चैनल पर वीडियोज़ और बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है। सुबह का वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा कल से मैं सुबह में 8 से 9 बजे के करीब में वीडियो डालूंगी, जो कि काफ़ी छोटी सी रीडिंग होगी, लेकिन काफ़ी अच्छी रीडिंग होगी वो। ठीक है, सो यस, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर कुंडली रीडिंग चाहते हैं आप, या फिर चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, है ना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। और मेरा वेबिनार होने वाला है जो कि है आपका 7th of September को, जो कि है मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर के। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि क्या कुछ है हमारा मोबाइल नंबर हमारे जीवन पर, क्या इम्पैक्ट डालता है। आप लोग आ सकते हैं उस वेबिनार में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट कीजिए। एंड अगर आप वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, जहाँ से आप लोग आसानी से उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।